सुमा, चोर जो भी हो आप की तरह चिंदी और चालाक है, किस्तों में चोरी कर रहा है, लेकिन फिर आएगा वो, जैसे आपके हाथ का बना हुआ साथ खा के उल्टी होती है ना, वैसे उल्टे पैर से आएगा वो। बस करो अपनी जासूसी। हे पढ़ी लिखी, तू पुलिस को बुला। पुलिस? माँ जी, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, घर की बात है। हाँ कुंती, तू भी क्या कोतवाली में लग गई। मैं जो कह रही हूँ वो अब ध्यान से सुन, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि तू घर के अंदर ही ढूंढ। अरे तेरी इतनी बहुएं हैं, किसकी किसके साथ क्या किटपिट चलती रहती, तुझे कैसे पता। मैं तो कहती हूँ तू घर के अंदर ढूंढ, इन लोगों में से ही किसी ने चीजें इधर उधर रख दी होगी। ये देखिए मैडम जी, एकदम चौंचक झकाज लल्लन टॉप साड़ी है, पति के दिल में प्यार का छेद न कर दे तो नाम बदल देना। अरे छेद तो तुमने कर दिया है। इससे मैडम जी हमारे ऊपर बहुत लड़कियां मरती हैं, लेकिन हमारे दिल में सिर्फ हमारी गर्लफ्रेंड रेशमा का छेद है, बाकी रुकावट के लिए खेद है। अरे मजनू मत बनो, साड़ी में छेद है, जब से 3 साड़ियां दिखा चुके हो सब में छेद है। हमसे नहीं होता है, बोनजोरी कर सकते हो। अरे हटो, नहीं लेनी हमें साड़ी। मैडम जी सुनिए, बात सुनिए मैडम जी। अरे मैडम जी प्रेमा, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। भैया फालूदा खाने के पैसे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इज्जत का फालूदा करवाते रहेंगे। सुबह से 10 औरतें जली कटी सुना के जा चुकी हैं, एक भी साड़ी लेने को तैयार नहीं है। अब की बार पूरा माल डिफेक्टिव है। बेटा डिफेक्ट माल में नहीं, डिफेक्ट तुम में है। क्योंकि तुम्हारी जो सोच है ना, चाट पकौड़ी से आगे जाती नहीं। साड़ी का बेचो, ये देखो। आइए आइए मैडम, आइए। साड़ी देखनी है? बिल्कुल मिलेगी, मैं दिखाऊंगा आपको साड़ी। आइए 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 बैठिए। अब तू देख ग्राहक को साड़ी कैसे बेची जाती है। जी मैडम, ये देखिए मैडम, ये वाली साड़ी, ये कुछ दिन पहले करीना कपूर ने पहनी थी। उनकी पहनी हुई साड़ियां बेच रहे हो? अरे नहीं, मेरा मतलब ये है कि वही पैटर्न वही डिजाइन करीना कपूर ने पहना था। लो जी, आपके करीना चौप साड़ी के धागे ही निकल आए हैं और इसकी कढ़ाई भी निकली हुई है, लगता है सचमुच पहनी हुई साड़ी है। नहीं लेनी है साड़ी। मैडम अरे और भी है, अरे बात तो सुनिए मैडम। मैडम खतरू, आपको भैया खतरू घटिया है, थर्ड क्लास है, रद्दी है। रद्दी मैं नहीं, रद्दी इस बार का माल है जो दयाल साहब से आपने लिया है। ये माल तो वाकई बोगस है खतरू, ये तो वापस भेजना पड़ेगा। ओ भैया, वो दयाल टेक्सटाइल वाला ना बहुत बेकार आदमी है, वो इतनी आसानी से वापस नहीं लेगा। ठीक से ढूंढो, क्या पता सामान घर में इधर उधर रखा मिल जाए। ए, मेरी काजल पेंसिल, 2 हफ्ते से ढूंढ रही थी, मिली गई। बताओ तो सावधान इंडिया में काजल पेंसिल लेके पढ़ाई करी थी और फिर पीछे से। अरे ये नहीं, बताओ किसको क्या कहाँ मिल रहा है। दीदी कहाँ छुपा के रख दिया आपने सामान। हे भोले, दीदी पे कोई आंच मत आने देना, नींद में चलते हुए दीदी कहाँ रख सकती है। हाँ, दीदी मतलब भक्ति, भक्ति मतलब मंदिर। बोली खोज सक्रिय करें। ये रखा, क्या करूं, सबने घर में ढूंढ मचा रखी है, वो देखो बेचारी दीदी खुद ढूंढने में लगी हुई है। इससे पहले कि किसी को दीदी पे शक हो, मैं ये सामान खुद जाके उसकी जगह पे रख देती हूँ। मिला कुछ? अरे वो कह रही है दीदी
दीदी के आशीर्वाद से मिला कुछ? नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं मिला। मिल गई। हाँ मम्मी जी, संतरे की गोली मिल गई। क्या मिला? संतरे की गोली मिल गई। मम्मी जी, अब ये एक गोली क्या हम सब अति अति करके खाएं? अरे ओ अकल की मलिका, ए संतरे की गोली नहीं ढूंढनी है, चेन ढूंढनी है, चेन। हाँ। चलो ढूंढो। लो, सब्जी का थैला अभी तक यही रखा है। माँ जी, कहाँ लेके जा रही हैं? अमेरिका। सब्जी का थैला है तो रसोई में ही लेके जाऊंगी ना। माँ जी, मुझे दे दीजिए, मैं लेके जाती हूँ। तू और सामान ढो। माँ जी, बहू के होते हुए आप थैला उठाएं अच्छा नहीं लगता ना, दे दीजिए। अच्छा, बहू के होते हुए सास सब्जी मंडी से सब्जी लेने जाए वो ठीक है? माँ जी, मुझे दे दीजिए। जोर लगा के, ए, ये क्या है? जोर लगा के। हाँ ढूंढो ढूंढो। कहाँ जा रही हो? वो भी क्राइम ब्रांच CIDEFGH ऑफिसर नंदोई की आंखों के सामने से। ए हटो। क्या हटो? बिना चेकिंग किए यहाँ से कोई नहीं जाएगा। किसका थैला है ये? ये मेरा थैला है। आपके ख्याल से बना है? ये मेरा सब्जी का थैला है। अब मुझ पे शक करोगे? हाँ करूंगा। दो इधर। नहीं दूंगा। अरे दो इधर। जोर लगा के। हे ये क्या है? जोर लगा के। हाँ हाँ ढूंढो ढूंढो। हाँ खाओ खाओ मुफ्त का। हाय चल। डब्बा, मेरा हिसाब का डब्बा। सासु माँ, मेरी चेन। सासु माँ, सासू माँ, आप कंजूस हो ये तो जग जाहिर है, लेकिन चोर भी। मैया कैसे दिन आ गए? सास बहुओं की चीजें चुरा रही है। चुप कर, मैंने किसी का कोई सामान नहीं चुराया। बस सालों से यही सुनते आ रहा हूँ, हमारे मनपसंद मिठाइयाँ खा खा कर बोलती हूँ हमने नहीं खाया, हिसाब के डब्बे चुरा कर कहती हूँ हमने नहीं चुराया, सोने की चैन, हमारा सुख चैन चुरा के कहते हो हमने नहीं चुराया। बहुओं बंद करो ऐसी शातिर सास को, और ऐसी जगह बंद करो जहां से सास सांस भी ना ले पाए। सब गड़बड़ है, बंद करो ये बकवास और चुपचाप बताओ तुम में से कौन है जिसने ये सामान मेरे थैले में डाला है? सोच के देखो सासुमा, आप हम पर शक कर रही हैं? हम पर? हे भगवान, माँ जी आप इन पर शक मत कीजिए, किसी ने कुछ नहीं किया, ये तो मैं अपनी दीदी को बचाने के लिए कर रही हूँ। सरला ठीक ही कहती थी, कोई घर का ही है जो फिरकी ले रहा है। बहू आपस में तुम्हारी खिटपिट जरूर हुई होगी जो एक दूसरे का सामान छुपा रही, ये पैसों का डब्बा, ये सोने की चेन, ए कहीं तुम दोनों एक दूसरे से कोई खुंदक तो नहीं निकाल रही हो? ये कैसी बात कर रही हैं आप सासुमा, मतलब कैसी कैसी
अरे ओ मेरठ की माधुरी दीक्षित, अरे कोई इसे लगाओ जरा, नहीं तो मुझसे आगे बोला ही नहीं जाएगा। अरे ओ कहीं तो अपने तकिया धनों के साथ ये चोर पुलिस का खेल तो नहीं खेल रही। जाने दीजिए ना माँ जी, खुशी की तो बात है कि दीदी के आशीर्वाद से सब सामान मिल गया। परी बहन ये लीजिए आपकी चेन, प्रतिभा बहन ये लीजिए आपके हिसाब का डब्बा, जाओ जाओ। ए, तुझे बड़ी जल्दी है मामला रफा दफा करने की। बोली मैया, कदाचित हम समस्त सह निवासियों में से ये हरण कार्यकर्ता की संभावना किस पर प्रतीत होती है? माँ जी हम में से चोरी किसने की होगी, पूछ रही दी। दीदी सब सामान मिल गया ना, हम चलते हैं। चलो असुमा, आपको तो तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। ए? मैया उच्चारण कीजिए। मैया मुझे तुझसे बात करनी है। अवश्य मैया। इधर नहीं इधर नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अवश्य मैया। पुनः उच्चारण कीजिए मैया। उसमें तो पता चलना चाहिए कि हम दोनों बात कर रहे हैं। घूम के बैठ। अवश्य मैया। पुनः चरण कीजिए मैया। ध्यान से सुन, ए तू इधर उधर क्या देख रही है? भैया आपके संभाषण को तो ग्रहण कर रहे हैं किंतु अन्य सहनिवासी कदापि। अरे समझ गए कि ध्यान से सुन रही है, ये जो घर में सामान की चोरी हो रही है ना, इसका मुझे बहुओं पर शक है। शिव शंभु तुझे छोड़ के, अरे तू तो ठहरी भगवान की भक्त, तू थोड़ी ऐसा करेगी। लेकिन ये जो बाकी की है ना, ये तो एक दूसरे से मजाक कर सकती है। अकाल्पनिक मैया, वस्तुतः इस त्रुटिपूर्ण क्रिया की मात्र कल्पना भी निषेध। अरे मैं किसे लेके बैठ गई? मैया सदन कुलवत में इस प्रकार की निंदनीय क्रियाशील में तत्पर हूँ, यह संभव नहीं, कदापि संभव नहीं। देखा तुझे भी यही लगता है ना? निषेध मैया, कदापि निषेध। अरे तू छेद बाद में करियो, पहले मेरी सुन। हमें जाल बिछाना पड़ेगा ताकि मछली उसमें अपने आप आकर फंस जाए, समझी? परंतु मैया इस प्रकार की विवेचना ही असक्रिय अनुकूल प्रतीत होती है कदाचित। अरे अपनी चित पर बंद कर। चित भी अपनी होगी और पट भी अपनी। बस तो किसी को ये मत बताइयो कि हम क्या जाल बिछाने वाले हैं। तो बस खा मेरी कसम कि तू अपनी भोली को भी नहीं बताएगी। मैया भोली? हाँ भोली, भोली तेरे प्यार में पागल है। वो अपने लिए नहीं लेकिन तेरे लिए वो किसी से भी किसी भी बात की खुंदक निकाल सकती है। तो सीता खा सास की कसम कि गीता को कुछ नहीं बताएगी। अब सुन, आज रात को सोना मत। अवश्य। तत्पश्चात किस प्रभु अर्चना काज में सक्रिय होना होगा? अरे सोना नहीं है, बस आज रात को खाना पीना खा के पूजा पाठ खत्म करके तू नीचे आ जाइयो। अवश्य मैया। आज रात को हम पहरा देंगे, जो भी ये कर्म कांड कर रहा है ना उसे रंगे हाथ पकड़ ले। शुभ है। समझ गई दीदी? बहुत खेल लिया, आज बच के दिखाए।
को सुना है ना, चैन से सोना है तो जाग जाओ। दीदी आज उठना नहीं, आज आपके दूध में मुनक्के नहीं जड़ी बूटी डाल रही हूं, ताकि आप ऐसी गहरी नींद में सो कि सीधा सुबह उठो। उठोगी नहीं तो नींद में चलोगी नहीं और किसी को पता नहीं चलेगा। बोले चंद्रदेव की वर्तमान स्थिति हमारी मैया के समक्ष उपस्थित होने की समय सारणी अंकित कर रही है, अर्थात हमें शीघ्र प्रस्थान करना होगा। दीदी आपके लिए दूध अवश्य बोले, किंतु वर्तमान स्थिति में इसे विश्राम एवं निंद्रा सिज के सहपाठी तक पर केंद्रित कर। नहीं दीदी मैं टेबल पे नहीं रखूंगी, आपको अभी पीना पड़ेगा वरना आप सो गए तो भूल जाओगी। भोली दीदी, भोली दीदी, कहाँ रह गई है भोली की दीदी? मंत्र में तो खत्म नहीं होते इसके, पढ़ने बैठ गई होगी। सोचना बाद में दीदी, अभी दूध पियो। भोली दीदी अभी पियो मेरे सामने। प्रसन्न? हाँ दीदी खुश। अब आप सो जाइए और रात को उठ के चलने मत लगिएगा। अर्थात? वो दीदी मेरा मतलब है आप सपने में भी तो चार धाम की यात्रा करती है ना, तो सादा मत चलिएगा। अवश्य भोली। भोली दीदी तो किसी को ये मत बताइयो कि हम क्या जाल बिछाने वाले हैं, तो बस खा मेरी कसम कि तू अपनी भोली को भी नहीं बताएगी। शुभ रात्रि भोली। शुभ रात्रि ही हो दीदी। लगता है आ गई, आ गई। तो पढ़ी लिखी है। ये सोच के देखो क्या देखने लगी। सोच के देखो ये कैसी आवाज थी। नहीं पीना है पानी।